वंदनाएं जी, नमोंदनाएं जी। मित्रों मित्रों, मैं आपका मित्र नारायण आचार्य चंडीगढ़ से, रत्न विशेषज्ञ और ज्योतिष आचार्य। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा रत्नों के विषय में, एक खास नए रत्न के बारे में, यानी कि व्हाइट टोपाज के बारे में। व्हाइट टोपाज एक वो ऐसा पत्थर दोस्तों, जो कि शुक्र ग्रह को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक ऐसा व्हाइट टोपाज दोस्तों, जो आपके मन को शांत करता है। एक ऐसा रत्न दोस्तों, जो संतान उत्पत्ति में सहायता करता है। एक ऐसा सस्ता सुंदर पत्थर दोस्तों, जो आपसी प्रेम प्यार को मजबूती देता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शुक्र मणि की, मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट टोपाज की। दोस्तों व्हाइट टोपाज यानी एकदम क्रिस्टल पत्थर दोस्तों, एकदम क्रिस्टल, आपका देखकर के मन खुश हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा एकदम व्हाइट, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे व्हाइट कुखरास भी होता है, व्हाइट मूंगा भी आता है, इसी प्रकार से व्हाइट आपका नीलम भी रहता है, ब्लू सफायर, व्हाइट सफायर, और इसमें टोपाज में और बहुत सारे कलर आते हैं। लेकिन ये जो जाति है, ये इसका पुखराज या नीलम से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो पत्थर है, ये शुक्र मणि के नाम से जाना जाता है हिंदी में, वेद शास्त्रों में, और इसे अंग्रेजी में आप व्हाइट टोपाज के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो व्हाइट टोपाज है, ये तकरीबन 12 प्रकार का आता है। इसमें कलर बहुत सारे आते हैं, ब्लू कलर में होगा तो ब्लू टोपाज। अब इसमें पॉइंट है, सपोज आप नीलम नहीं पहन सकते, आपको नारायण जी ने बताया, किसी एस्ट्रोलॉजर मित्र ने बताया कि जी आप नीलम पहनिए, आपका बजट है नहीं नीलम पहनने का। तो बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला पत्थर है व्हाइट टोपाज, ब्लू टोपाज। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर आते हैं, ब्लैक टोपाज भी आता है इसके अंदर, इसमें येलो टोपाज भी आता है। पुखराज नहीं पहन सकते तो आप येलो टोपाज, पीला टोपाज पहन लीजिए। दोस्तों ये बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रत्न है, बहुत अट्रैक्टिव पड़ता है। सबसे अच्छी बात है, इसकी पुखराज और नीलम से भी कहीं कहीं ज्यादा, कभी कभी इसकी जो रेशा है इसका, इसकी जो ग्लो है, जो इसकी शाइनिंग है, ये इसका जो वाटर कह देते हैं, जो पानी है इसका, या इसका जो चमक है, वो कहीं ना कहीं नीलम पुखराज के पत्थर से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इसकी मैं एक खास बात बता दूं, अगर आपने मान लीजिए ये पत्थर पहनना हो, सबसे पहले तो इसकी आप लैब रिपोर्ट कराइए। लैब रिपोर्ट में दोस्तों बहुत सारी चीजें आती हैं। लैब रिपोर्ट में आपका एक तो देखिए, ये इस पत्थर की लैब रिपोर्ट है, ध्यान से देखिएगा, इस पत्थर की लैब रिपोर्ट है, इतनी बड़ी इस प्रकार से लैब रिपोर्ट बनती है। दोस्तों बिना लैब रिपोर्ट के आप व्हाइट टोपाज को मत पहनिएगा। अब व्हाइट टोपाज में शेप बताई जाएगी, जो लेबोरेटरी है लैब के अंदर दोस्तों सबसे अच्छी चीज रहती है, आपको इसकी पूरी जानकारी, पूरी कुंडली मिलती है कि ये पत्थर कितनी ग्रेविटी का है। अब इसकी जो ग्रेविटी है दोस्तों 3.56 से लेकर के 3.57 तक है, और ये बहुत 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 अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कि कितनी किरणें आर पार हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है, ट्रांसपेरेंट परफेक्ट है कि ट्रांसपेरेंट कम है। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है कि नेचुरल इंक्लूजन, जो इसके अंदर आपको बहुत बारीक बारीक लाइनें दिखाई दे रही होंगी, ये जो लाइनें है दोस्तों ये क्या है, ये इंक्लूजन है, ये नेचुरल इंक्लूजन है। इंक्लूजन भी आजकल क्या है दोस्तों, चाइनीज टोपाज भी आता है जिसमें कांच होता है, बिल्कुल देसी कांच, लेकिन उसके अंदर क्या हीटेड करके इंक्लूजन भर दिया जाता है, ऐसे दिखता है कि इंक्लूजन वाला है तो ओरिजिनल है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपको लैब से कंफर्म होगा या कोई बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे वो बता पाएंगे। फिर इसकी दोस्तों जातियां होती हैं, हर एक पूरी गहराई से तसल्ली करके आप व्हाइट टोपाज पहनिए। दोस्तों व्हाइट टोपाज का एक अपना ही मजा है, रिलेशनशिप को ब्रेक होने से रोकता है, प्यार को बढ़ाता है, अट्रैक्शन देता है। अच्छा, अगर आपकी विदेश यात्राएं नहीं हो रही, या विदेश आप जाना चाह रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं काम में, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में, या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, या होटल इंडस्ट्री में, या स्पेसिफिक कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप व्हाइट टोपाज पहनते हैं। व्हाइट टोपाज होगा तो आपको सिल्वर में पहनना होगा, ब्लू टोपाज होगा तो आपको पंचधातु में पहनना होगा,
डिपेंड ऑन कि आप कौन से कलर का टोपाज किस काम के लिए पहनते हैं। हाँ, सिरदर्द यदि बहुत ज्यादा होता है तो आप व्हाइट टोपाज पहनिए। मन बहुत ज्यादा अशांत है तो व्हाइट टोपाज पहनिए। लेकिन इसके साथ मैं कहूंगा कि यदि आपका परिवार से रिलेशनशिप, जैसे एक घर का मुखिया अगर उसके रिलेशन गड़बड़ा रहे हैं पूरी फैमिली में, तो आपको येलो टोपाज बहुत अच्छा रह सकता है। पिता पुत्र का संबंध खराब हो रहा है उस कंडीशन में भी आप अगर पिता जो है वो पीला येलो टोपाज पहन के रखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों टोपाज की मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। टोपाज बहुत अच्छा और बहुत सस्ता पत्थर होता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि चाइनीज पत्थरों से बचना है और बिल्कुल रियल पत्थर पहनना है। और दोस्तों मेरा काम पत्थर बेचने का नहीं, मेरा काम है आपको गाइड करने का। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि नारायण जी आप मंगवा के दे दीजिए, तो मैं मंगवा के दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा काम है ज्योतिष के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना, आपको रास्ता दिखाना, आपको सही डायरेक्शन देना, स्पेशली करियर एडवाइस। ईश्वरीय कृपा से दोस्तों आप अगर कभी मौका मिले तो एक बार मेरे पास, स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्लस वन प्लस टू के स्टूडेंट हैं, तो करियर नए किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, गाइडलाइन लेने के लिए एक बार आप जरूर मुझे मिलिए। नंबर अपॉइंटमेंट नंबर आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपॉइंटमेंट लेकर के जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करके फीस का, देन आप एक बार टाइम लेके मुझसे मिले, या टेलीफोनिकली आप अपॉइंटमेंट भी मुझसे ले सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। दोस्तों नारायण जी को आज्ञा दीजिए अगली बार फिर एक नए खास किसी रत्न के बारे में एक नई जानकारी के साथ आपको मिलूंगा। नमो नारायण जी दोस्तों, नमो नारायण जी, नमो नारायण।